हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन उमा खान और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबाद की तय वाली बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए 600 ग्राम हमारा गोश्त है, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, एक चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच दही है, 5 हरी मिर्चें, आधा नींबू है और पकाने के लिए ऑयल है 150 ml। इसमें 2 चम्मच मैंने नमक लिया है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा ये है कि इसको है ना बाहर निकल जाएगा, ये पानी में ज़्यादा डालेंगे क्योंकि नमक इसमें थोड़ा तेज़ डालते हैं चावल में तो वो बाहर निकल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ही लिया है मैंने क्वांटिटी के हिसाब से। इसे आप कम या ज़्यादा कर सकती है। ये गरम मसाला है जो हमें चावल में बॉयल करते वक्त डालना है, ये गरम मसाला जो हमने सालन में डालना है जो गोश्त पकाते वक्त। ये 2 बड़ी प्याज थी जिनको हमने काट लिया है, 2 बड़े टमाटर थे और 400 ग्राम चावल हैं हमारे। अगर मीडियम साइज़ के कप से नापते हैं तो ये 2.5 कप चावल हैं, 600 ग्राम गोश्त के मैं 400 ग्राम चावल डले हैं और 1 किलो गोश्त में 800 या 850 ग्राम चावल डलेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें ऑयल, इसके बाद डालेंगे हम प्याज, तो थोड़ा नरम होने तक पका लेंगे। इसमें डालेंगे फिर हम गरम मसाला, भूनते रहेंगे थोड़ी नरम हो जाए प्याज। हमारी प्याज नरम हो गई है, 2 मिनट लगे हैं इसे। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, चिकन। गैस का फ्लेम फुल रखेंगे। डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच का। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक है ये हमारा, वो डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह ये 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए। टमाटर भी पहले नहीं है, आप देख सकते हैं अभी ये सब कुछ कच्चा है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं। दो तीन मिनट भूनने के बाद ही पानी डालेंगे हम लोग। अभी ये भूनेगा, ये गोश्त तब तक हमारा भून रहा है, तब तक हम दूसरा मसाला शुरू कर देते हैं। मैं दूसरे फ्लेम पर चावल चढ़ा देती हूँ। हमने एक भगोने में 6 कप पानी ले लिया है, 2.5 कप चावल थे, 6 कप पानी लिया है। इसमें हमने जो दालचीनी है, थोड़ी सी जावित्री है, 3 लौंगे हैं और 2 हरी इलायची है, ये डाल दी है। 1/2 नींबू है, उसका जूस डाल दिया। इस पानी को उबलने का इंतजार करते हैं। 1.5 चम्मच नमक डालेंगे तकरीबन, हम फिर ढक देते हैं। वापस हम अपने
डालते हैं। पानी डालते रहेंगे इसे दो दो तीन तीन मिनट के लिए, इसी तरह चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे दो से तीन मिनट बाद लगेंगे। टोटल टाइम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पकने में। सालन हमारा भून चुका है, इसमें हम दही मिला देंगे लास्ट में। पानी में हमारे बाल आ गए हैं, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। टाइम है एक किनारी कच्चे होने तक, इसको पका लेंगे तक हमारा लीडर देख सकते हैं सारे। तकरीबन 50 ml पानी डाल देना है हमें, इतना कि गोश्त गल जाए। गोश्त गल जाए तब तक हम चावल देख लेते हैं। अपने चावल हमें इतना पकाने हैं कि एक किनारी थोड़ी कच्ची रह जाए। हमें 10 मिनट हो गए हैं, अपने चावल चेक कर लेते हैं। चावल में थोड़े पसंद है, सालन देखते हैं क्या वो है यखनी। अब इसमें हमारा ये भून गया है, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का अचार है और थोड़ी हरी मिर्चें जो हमने ली थी वो काट ली, डाल दी है। होना जरूरी है तो इसे हम आज हल्की कर देते हैं ताकि ये मीडियम ना हो, तेज ही रहे। चावल चेक करते हैं हम अपने, चावल हमारे हो गए हैं। इसका पानी निकाल लेते हैं। एक कपड़े की मदद से तो दोनों किनारों पे पकड़ लेंगे हम ये इस तरह। प्लेट हम नहीं कर ली है और इसका पानी निकाल देते हैं। तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हम इसको हटा देते हैं। इसके फ्लेम तवा रखा है भारी भारी तले वाला, हमने स्टील का गोना रख दिया। अब हम ये चावल निकालते रहेंगे। एक तेल लगा देंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम हमारा फुल है क्योंकि तवा गर्म होना है अभी। उसके बाद हम इस पर ये भी फैला देंगे। और थोड़ा थोड़ा मसाला भी डाल देंगे। इसके बाद हम फिर चावल डालेंगे। थोड़ा सा ये कलर है बिरयानी का वो डाल देंगे एक चम्मच से यूं लेकर। वापस हमने चावल लगानी है।
गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। एक चम्मच फिर से हम फूड कलर डाल देंगे। जो बचे हुए चावल हैं ये भी डाल देते हैं हम। बचा हुआ गोश्त है वो भी हमने इसको फिला दिया है सही से। फिर जो कलर बचा हुआ है वो भी हमने इसी पे डाल दिया है। एक कॉटन का रुमाल लिया है हमने, बहुत अच्छी तरह से हमने भिगो दिया था ये रुमाल, इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरीके से। फिर इसके ऊपर हमने ढक दिया है। एक और रुमाल लेते हैं कॉटन का, ताकि इसकी जो स्टीम है वो इसके अंदर ही रहे, बाहर नहीं आएगी। और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट बाद खोलेंगे, फिर देखते हैं। 7 मिनट हो गए हमारी बिरयानी को रखे हुए, इसको हम पकड़ के यूं यूं करके थोड़ा हिला देंगे। वैसे वैसे ही रहेंगे, खोल कर नहीं देखेंगे इसे, बस हिला देंगे, ऊपर का नीचे हो जाएगा थोड़ा। फिर 7 मिनट बाद ही देखेंगे हम। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, देखें हमारी बिरयानी का क्या हाल है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिरयानी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए। अब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे चाहे रायते से खाएं, चटनी से खाएं, ये हर चीज़ से बहुत अच्छी लगती है। मैं यास्मीन हुमा ख़ान आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।